Hey, what's up guys? तो guys, आज हम पुराने यादें ताजा करने वाले। जब टीवी में आता था वेकेशन के टाइम पोकेमोन, तो उसमें हम लोग मतलब बहुत लोग थे कैरेक्टर, जैसे एश और बहुत लोग थे, लड़की थी एक और, एक उसका नाम याद नहीं आ रहा है, फिर टीम रॉकेट थी। तो आज हम खेलने वाले पोकेमोन यूनिटी और आज हम लोग पुराने यादें को ताज़ा करने वाले। तो वीडियो कैसे देखना है, चलो गाइस शुरू करते स्टार्ट। तो यहाँ पर गैस हमारा आता है गैस नाम, तो मैं गणेश 20 डालने वाला हूँ। तो 20 क्यों डालने वाला हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, 20 क्यों मैं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से मैं कर देता हूँ इसको एंटर और अभी हम लोग जाएंगे आगे। तो यहाँ पर लोड, ओके, तो अभी हमें करना है कैरेक्टर सिलेक्ट। तो यहाँ पर पहले ऊपर है गर्ल, नीचे है बॉय, सॉरी ऊपर बॉय नीचे गर्ल, और यहाँ पर कोई और नहीं है ना कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पर मैं बॉय कैरेक्टर सिलेक्ट करता हूँ फटाफट से। और अभी हमें चूज करना है चूज योर अपेरियंस, किया है हमने। ओके, चूज योर फेस, तो फेस में देखते हैं गाइस कौन सा अच्छा लगेगा देखते हैं। फेस चूज योर आइज करना चाहिए, द फेस क्यों, वही तो लग रहा है सेम, नहीं अच्छा लग रहा नहीं है। थर्ड वाला अच्छा लग रहा है, तो सेकंड वाला मतलब ऐसा डूब लग रहा है, थर्ड वाला सही लग रहा है, मतलब ऐसा एक्टिव बनना लग रहा है, तो मैं थर्ड वाले को ही चूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने चूज कर लिया। और अभी आता है हेयर स्टाइल, ओ भाई साहब, ओ भाई ये सही है गाइस, सेकंड वाला, थर्ड वाला इतना अच्छा नहीं है, नहीं नहीं अभी तो लड़की लग रहा है भाई, नहीं यार ये भी अच्छा लग रहा नहीं है, हैं गाइस अपना लास्ट वाले में पूरा लड़की लग रहा है। तो आई प्रेफर सेकंड वाला, मुझे सेकंड वाला काफ़ी अच्छा लगा है। अभी है हेयर कलर, तो मैं ब्लैक ही लूँगा, ब्लैक लूँ नहीं, रेड अच्छा लग रहा नहीं, ब्राउन भी अच्छा है बट आई विल प्रेफर रेड, आई मीन सॉरी ब्लैक, ब्लैक है। तो अभी आउटफिट चाहिए, आउटफिट में कौन सा अच्छा लग रहा है, ब्लैक एंड ऑरेंज सही लग रहा है, हाँ। तो ओके गाइस हम करते हैं यहाँ पर डन। और गाइस गाइस पोकेमोन में ना इसे पैड में मतलब हम लोग कौन सा पोकेमोन मिलता है ना, हम उसे देखते हैं कि इस पोकेमोन का नाम क्या है, ये इसका क्या मतलब क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल, बोलते हैं ना पावर्स क्या है। तो ये सब पैड था, मस्त था। ओके, हमारा पहला पोकेमोन है पिकाचू, ऑब्वियसली पिकाचू ही रहेगा। तो चलो गाइस इसको करते स्टार्ट। तो ओके गाइस हम जाने वाले हैं गाइस ट्रेनिंग रूम में, और गाइस मैंने वीडियो देखा है गाइस यूट्यूब में, मतलब कैसा खेलना है क्या करने का, मतलब आप तो नूब ना समझो मुझे। तो या तो इसमें क्या होता है मैं आपको एडवांस में बता देता, नहीं तो हमें ट्रेनिंग रूम में बता देते हैं कि कैसा करना है क्या करना है, पर हम बताए तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो एनिमी रहता है ना उससे हमें मिलता है एक पर्पल कलर का बॉल। अब वो बॉल क्या मैं बता रहा हूँ, वो रहता है हमारा गोल। अब वो गोल को हमें एक सर्कल में डालना पड़ता है जिससे हमारा जो स्कोर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अभी आप लोग देख सकते हैं गाइस वहाँ पर हमें एक सर्कल आता रहेगा, आप लोग देख सकते हैं ऊपर एक छोटा सा गोल है और उसके ऊपर है एरो, तो उसका हमें उसके अंदर हमें डालना है, क्या बोल रहा हूँ मैं, उसके अंदर हमें डालना है और हमें वो स्कोर को कर देना है कम्प्लीट। और वैसे आपको जितने भी एनिमल्स मिलेंगे उनसे आपको पर्पल बॉल मिलेगा और उसको हमें स्कोर के अंदर डाल, गोल के अंदर डाल के स्कोर को कर देना कंप्लीट। तो मैं फटाफट से स्कोर को कर देता हूँ कंप्लीट और मैं मिलता हूँ आपको सीधा मैच में। तो गाइस आप हमें ट्रेनिंग कंप्लीट कर दिया गाइस, अभी गाइस हमें एक नया पोकेमोन मिलने वाला है गाइस, तो देखते हैं गाइस हमें कौन सा नया पोकेमोन मिलेगा, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आई थिंक मेरे को बल्बासोर मिलेगा या फिर ओ 40,000 मिला, काफ़ी सही पोकेमोन है, बल्बासोर भी मेरा फेवरेट है, 40,000 तो उससे और है। मुझे कभी पता नहीं कि आपका कौन सा फेवरेट पोकेमोन है, मेरे बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक इंडिविजुअल है, हाँ पिकाचू है भाई, पिकाचू फेवरेट है मेरा। और बहुत सारे थे पोकेमोन, याद नहीं आ रहा लोगों का नाम, मतलब बहुत देखता रहा गाइस मैं, मतलब क्या बोलूँ यार, बहुत मज़ा आता है देखने को। मेरे पास पोकेमोन थे मतलब कार्ड थे ना, वो भी थे मेरे पास भाई साहब। मुझे कभी पता नहीं गाइस आपके पास कितना मतलब कार्ड था, मेरे पास आई थिंक हाँ रहेगा, अभी मैंने फेंक दिया वो कार्ड, और तेरे बहुत था क्रेज था पूरा, मतलब भाई साहब मुझे कभी बताना गया। और आपका फेवरेट पोकेमोन बताना, मैंने बहुत सारे थे, बल्बासोर थे, चार्लीगार थे, और थे यार बहुत, मतलब काफ़ी अच्छे से पोकेमोन थे। तो यहाँ पर गए हमारा मैच हो चुका है स्टार्ट। तो यहाँ पर गए हमें बताया गया कि यहाँ पर क्या क्या है, जो ओपोनेंट के जो गोल्स है ना, मैं आपको बताया ना गोल गोल वाला, उसमें ना हम लोग को जो गोल्स मिलेंगे ना वो हमें स्कोर करना है उन लोग के इसमें, और वो लोग हमारे इसमें करेंगे। मतलब अगर मैंने समझो उसमें कर लिया 200 और वो लोग ने 100 किया तो मैं जीत जाऊंगा, मेरे टीम वालों ने कर लिया 200 और उनके टीम वाले के 100 तो हम वो जीत जाएंगे, मैं जीत जाऊंगा। तो अब हम हो चुके हैं मैच स्टार्ट, और हमारा पहला जो 40,000 का पहला छोटा सा रहता है ना
फर्स्ट लेवल वाला, उसका नाम क्या रहता है, चार महीने रहता है आई थिंक, से चार महीने रहता है। तो यहाँ पर गए, यहाँ पर बहुत सारे एनिमी से उन लोगों का हमें मारना है। यहाँ पर गए मतलब जो अपग्रेडेड, यहाँ पर गए हमें जो चार महीने के जो भी रहते हैं ना वेपन्स, मतलब वेपन बोल नहीं सकते, मतलब जो भी रहते हैं ना पावर्स, वो हमें यूज़ करना है और हमें एक एक करके सबको मार देना है। और अगर हम इससे मर गए, हम लोग रिवाइव होंगे बट हमारा जो गोल्ड रहेगा ना वो निकल जाएगा। 10 गोल्ड रहता है, नहीं सॉरी 10 से भी ज़्यादा गोल्ड रहता है। अगर हम मर गए ना तो समझो मेरा 20 गोल्ड से, हाँ और मैं मर गया तो मेरा 10 गोल्ड माइनस होगा, मेरा 10 गोल्ड से रहेगा। तो जितना भी गोल्ड देना मेरा गाइस, उसको हमें डाल देना है कैसे भी करके। तो यहाँ पर फटाफट से गाइस मैं डाल देता हूँ गाइस। तो यहाँ पर गाइस पोकी, पहले हमें सबको मार देना है गाइस। तो यहाँ पर मार देते हैं सबको। तो यहाँ पर गाइस बड़ा वाला है गाइस, इसका नाम याद नहीं आ रहा है, आई थिंक भूल गया मैं नाम। तो इसको फटाफट से गाइस यहाँ पर मार देता हूँ। और गाइस मैं मरने वाला भी, क्योंकि मेरा हेल्थ काफ़ी कम है गाइस, उसका भी हेल्थ कम है बट वो ना मतलब मर नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या होना, तो गाइस मैं मरने वाला और यहाँ पर गाइस मैं मर गया। मैं रिवाइव होऊंगा पर मेरा जो गोल्ड से ना वो कम हो जाएगा, मतलब अभी यहाँ पर कितना गोल्ड से मेरा, मेरा 0 ही गोल्ड से। तो यहाँ पर अभी तो मेरे गोल्ड अभी मतलब किया नहीं, लिया नहीं है। अभी जब मैं मारूंगा इन लोग को तब मेरा गोल्ड बढ़ेगा। और पहला तो मैं दोबड़े को मारता हूँ, तो फटन से इसको मारता हूँ और आई थिंक इसको मार के मुझे गोल्ड मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी तक किसको मारा नहीं है। तो जैसे मैंने इसको मारा, आप देख सकते मेरे यहाँ पर 2 बढ़ चुके हैं, वैसे ही मुझे सबको मार देना है। अभी इसको मैं मारूंगा, अभी ये मरना चाहिए गाइस। वैसे इसका हेल्थ काफ़ी कम है, मुझे आई थिंक इसको मारेगा तो मुझे 5 मिलेंगे या फिर 4 मिलेंगे ये इसके ऊपर, ये नुबड़ा कितना देगा मुझे। इसको मार दिया गाइस और मेरा गाइस जो है वो विकसित हो चुका है गाइस। और यहाँ पर कौन सा मतलब 4 महीने का विकसित क्या है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा इसका नाम। तो अभी मेरे हो चुके कितने, कुछ बता लिखा तो नहीं यहाँ पर, बट हाँ मेरे हो चुके। और अगर मैं मर गया तो मेरा वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबको मार देता हूँ, ये देखो ये नोबड़ा यहाँ पर मस्त से खड़ा है, इसको मालूम ही नहीं मैं आया हूँ। तो फिर इसको मार देता हूँ गाइस। और यहाँ पर गाइस मुझे गोल्ड के अंदर डालना चाहिए पर मैं डाला ही नहीं अभी तक। तो यहाँ पर फिर इसको मार देता हूँ गाइस और मैं मरना चाहिए गाइस। मैं मर गया तो मेरी मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। तो यार तो फिर इसको मार देता हूँ गाइस। और ये तो हमारा ही है, मैं यहाँ पर किया है मुझे मालूम नहीं। तो फटाफट से गाइस मैं उनके इसमें डाल देता हूँ। अभी गाइस उनका 2 हमारे 3 बाकी है, हमारे 3 सर्कल थे, उनके 3 थे, अभी 2 हो चुके हैं। तो मैं डालूंगा तो आई थिंक 1 हो जाएगा। तो फटाफट से गाइस मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे अगर मैंने उनका 3 डिस्ट्रॉय हो गया ना तो हम जीत जाएंगे मैच। अगर हम टाइम के, अगर फॉर एग्जाम्पल टाइम ख़त्म हो गया और उनका 1 है या फिर 2 है, वो डिपेंड्स ऑन उनका टोटल कितना स्कोर है, हमारा टोटल कितना स्कोर है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया गाइस। तो यहाँ पर गाइस हो चुका है, तो नहीं मैं मर गया आई थिंक सो। तो हमारा 1 ही है तो मर गया था गाइस में। तो यहाँ पर गाइस हमारा 2 ही है, तो आई थिंक मेरे को लगा था मैंने डाल दिया बट नहीं, मैं मर गया गाइस। मेरा 11 था जैसे जो 1 है, मतलब गाइस मैं 10 हो चुका माइनस। तो गाइस मैं आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मतलब कैसा खेलेगा, क्या खेलेगा, काफ़ी सही है गाइस। और गाइस यहाँ पर हमारा विकसित हो चुका है गाइस, हम लोग बन चुके 40,000। अब मस्त उड़ उड़ के मारेंगे हम इसको, उड़ उड़ के पंछी बन उड़ता फिर मस्त गगन में। भाई सब क्यों बोल रहा हूँ मैं, ओके गाइस 3 पॉइंट हो चुके हैं हमारे और गाइस पॉइंट बढ़ाना है। तो फटाफट से गाइस आप मैं पॉइंट बढ़ाता हूँ। तो ओके गाइस यहाँ पर 1 मिनट बाकी है गाइस और गाइस मेरे 24 पॉइंट्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर गाइस 34 हो चुके हैं। अब गाइस यहाँ पर मैंने डाल दिया गाइस और गाइस प्लस 80 बाकी लोगों ने डाल दिया गाइस, मतलब 80 से भी ज़्यादा पॉइंट्स लोगों ने डाल दिया है। तो यहाँ पर लोग मार रहा हूँ गाइस और गाइस यहाँ पर मर चुका हूँ। आई थिंक ये जीत जाएंगे बिकॉज टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पर है 39 मिनट्स, तो आई थिंक हम आराम से जीत जाएंगे आई थिंक से। मुझे मालूम नहीं वो लोग ने कितना किया है बट गाइस उन लोग का 1 ही बाकी है गाइस, हमारा 3 है और उन लोग का 1 ही बाकी। आई थिंक हम लोग आसानी से जीत जाएंगे, यहाँ पर मैं करूँगा भी नहीं तब भी मैं जीत जाऊँगा। तो यहाँ पर गाइस कितना है और 20 मिनट बाकी है। तो फटाफट गाइस इसको नोबड़े को मारता हूँ गाइस, लोग हारने वाले हैं फिर फालतू के लोग मेरे साथ लड़ रहे हैं। ओके तो यहाँ पर गाइस 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और यहाँ पर गाइस हो चुका है टाइम अप। अब देखते गाइस कौन जीतता है। ओके गाइस हम लोग जीत चुके हैं गाइस विद ओवर 278 पॉइंट्स और गाइस फाइनली गाइस हम लोग जीत चुके हैं और देखते हैं, हाँ हम लोग जीत चुके हैं, देखते हैं हम लोग जीत चुके हैं गाइस। तो या
होपिंग सबको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, और हैप्पी दिवाली टू योर एंड योर फैमिली। और गाइस सब्सक्राइब कर लो यार, दिवाली है, कर लो यार, अच्छा लगेगा। और गाइस आपको ऐसे ही गेम चाहिए, ऐसे मेरा जैसे पुराने पुराने गेम जैसे बेबली, वैसे आपको कंटेंट चाहिए तो गाइस थोड़े बताना गाइस, मैं आपके लाऊंगा। और मैं भी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।